1984 में हुए सिख विरोधी दंगे को लेकर लगातार सियासी माहौल गरमाया जा रहा है, जहां जुबानी जंग कम होने का नाम नहीं ले रहा। सैम पित्रोदा का बयान, जो हुआ सो हुआ उनका कह देना, बड़ी ही आसानी से कांग्रेस को मुश्किलों के कटघरे पर लाकर खड़ा कर दिया, जिस पर राहुल गांधी ने उन्हें माफी मांगने तक के लिए कह दिया। जी हां, कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच आपस में ही फूट तक की बातें तक आ गई, जिससे प्रियंका गांधी का लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करना इस बार थोड़ा मुश्किल होता नजर आ रहा है। ये खबर आई है कि वाराणसी में जल्द ही प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए जुड़ने वाली, लेकिन इससे पहले दंगे के बीच जो खबर आई है उस पर अगर बात किया जाए तो पीएम मोदी के लिए है इस बार दंगा के जरिए प्रियंका गांधी को पूरी तरह से अपमानित करना बिना उनके कुछ कहे ही। सैम पित्रोदा के जरिए, राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे सैम पित्रोदा, लेकिन उनकी एक गलती ने कैसे प्रियंका की मुश्किलें बढ़ाई हैं, आज हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे। नमस्कार, देख रहे हैं आप SBN 9 न्यूज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम लोकसभा से लगातार इलेक्शन को लेकर जुड़े रहने वाले, लोकसभा चुनाव के लिए प्रदर्शन करने वाले तमाम प्रत्याशियों के बीच नए माहौल को लेकर एक ही बात हो रही है, दंगा को लेकर सिखों की क्या राय है। तो इस पर सिखों ने कैसे जमकर हमला बोला है कांग्रेस पर, क्या है इस पर राय पंजाब की जनता का, पंजाब की सिखों का, आइए जानते हैं हमारे इस शो के जरिए। अल्पसंख्यक आयोग ने सैम पित्रोदा के साल 1984 में हुए दंगे को लेकर आपत्तिजनक बयान सामने आने के बाद बड़ा कदम उठाया। जी हां, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया वो काफी ज्यादा, बेहद ही ज्यादा सार करने वाला बयान था, जिस पर राहुल गांधी ने भी जमकर उन पर बोला। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर अपनी मां सोनिया गांधी के माफी वाले निवेदन पर याद दिलाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बार बार हमने माफी मांगी है और वो बेहद ज्यादा तकलीफ भरा एक सच है, जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो वहीं सिख समुदाय से बिना किसी शर्त माफी मांगने की जब अपील की गई, नोटिस के साथ रशीद ने जब अपील किया उनसे, जिन्होंने इस तरह से बयान दिए, यानी कि सैम पित्रोदा से किस तरह से दंगा वाले मामले से कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ी चोट लगी, यानी कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए बड़े तादाद में भीड़ इकट्ठा कर जनता का भरोसा जीतने के लिए सबसे ताकतवर प्रवक्ता के रूप में महासचिव प्रियंका गांधी को देखा गया, लेकिन उनकी ताकत को कमजोरी बनाते हुए उनके ही कार्यकर्ता की इस भूल को सबसे बड़ी भूल माना जा रहा है। ये तो सभी जानते हैं कि राहुल गांधी के बेहद करीब है सैम पित्रोदा, जो कि पंजाब में अब प्रियंका गांधी के लिए एक मुश्किल पैदा कर गए। जी हां, आपको बता दें, इसे लेकर उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया और उनसे माफी मांगने की हिदायत की गई। अब पंजाब में प्रियंका मानित तो हुई है अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़बोल की वजह से, उस बेबाक राय की वजह से जो काफी ज्यादा तकलीफ भरा है। ऐसे में सिखों ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए जमकर कांग्रेस की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। जी हां, कि कैसे, हम आपको अपने इस खास रिपोर्ट में बताना चाहेंगे किस तरह से मोर्चा खोलते हुए सिख वोटरों ने कांग्रेस के खिलाफ अब अपनी बातें रखती है। जी हां, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने साल 1984 के सिख विरोधी दंगों के संदर्भ में कथित तौर पर विवादित बयान देने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा को शुक्रवार को नोटिस तो जारी कर ये कह दिया कि संदर्भ में स्पष्टीकरण दे वो, और सिख समुदाय से तत्काल बिना शर्त के ही वो माफी मांगे। लेकिन भाजपा नेता तेजिंदर पाल बग्गा की शिकायत पर पित्रोदा को भेजे गए नोटिस में सिख विरोधी दंगे को लेकर लगातार जब बातें हुई तो उसमें लिखा
रखा था। मानवता के इतिहास पर कलंक करार देते हुए आयोग के सदस्य आतिफ रशीद ने इस पर बात की है। अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 9 के तहत आयोग आपको निर्देश देता है कि गत 9 मई को अपने बयान पर स्पष्टीकरण दें। जी हां, जवाब दें, आप बताएं कि आखिर क्यों उन्होंने ऐसा कहा। ऐसे मामले पर सैम पित्रोदा का कहना था कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी ने सैम के खिलाफ बयान दिया। भाजपा के साथ तो नहीं, लेकिन राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ होने के बावजूद एक बड़ा फैसला लेकर इस तरह की बात कर जनता के बीच आ गए हैं। दरअसल अलग अलग राज्यों में, पंजाब के अलग अलग राज्यों में सिखों की जब राय ली गई तो कुछ रिपोर्टर्स जब वहां सीधा मिलते नजर आए तो सिखों की राय के मुताबिक कांग्रेस के इस बोल की वजह से वो काफी ज्यादा उनसे दुखी हैं, जिसकी वजह से उन पर अब भरोसा वो नहीं करना चाहते हैं। जिन्होंने उस दंगे पर आम बात कही गई, उस दंगे को आम दंगा बताकर बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, जो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के लिए अब सवाल बनकर रह गया है। SPN 9 News, उनसे तृप्ति की रिपोर्ट।